एमएम के पूर्व सांसद स्वर्गीय सुनील महतो की जयंती 11 जनवरी को है। इस जयंती को लेकर आज एमएम के कार्यकर्ताओं ने एक बैठक की। वहीं अमलेश सिंह को लेकर पार्टी में हो रहे उठापटक पर भी रणनीति बनाई गई। जमशेदपुर के पूर्व सांसद स्वर्गीय सुनील महतो की जयंती 11 जनवरी को है और उस जयंती को लेकर आज एमएम के कार्यकर्ताओं ने निर्मल भवन में एक बैठक की। इस बैठक में जयंती को सफल बनाने को लेकर रणनीति बनाई गई। 11 जनवरी के दिन ये कार्यकर्ता गम्हरिया समाधि स्थल पहुंचेंगे और वहां श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद बागुड़िया जाएंगे जहाँ सुनील महतो की हत्या कर दी गयी थी। स्वर्गीय सांसद सुनील महतो की जयंती है आपको 11/11/1 में है और गुरु जी का भी जन्म उसी दिन। तो उस जयंती को अच्छा से पालन करने के लिए, अच्छा से धूमधाम से मनाने के लिए आज की बैठक है कि सारा एग्जीक्यूटिव को बुलाया गया है कि अपना अपना क्षेत्र में सारे कार्यकर्ताओं को ये करे कि उस दिन का कार्यक्रम हमारा इस टाइप का होगा कि ऐतिहासिक हो। इसीलिए हम लोग पहले उस दिन का प्रोग्राम में हम लोग ये निर्णय ले रहे हैं कि ये जो है आपका पहला श्रद्धांजलि उनको हम लोग देंगे जहाँ उनका समाधि स्थल है गम्हरिया में। उसके पश्चात हम लोग वहाँ से आएंगे, यहाँ श्रद्धांजलि कदमा में देते हुए हम लोग उनका जहाँ पर हत्या हुई थी वहाँ श्रद्धांजलि देंगे और वहाँ बच्चों के बीच में हम लोग कॉपी पेंसिल चॉकलेट वगैरह हम लोग बांटेंगे और उसके बाद यहाँ आएंगे, फिर हमारा कदमा में आम सभा होगा। वैसे अमलेश सिंह को जेएमएम में आने से पार्टी में बगावत शुरू हो गई है। आज हमने जब इस मुद्दे पर जिला अध्यक्ष से बात की तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि बगावत करना गलत है। मतभेद देखिए ऐसा तो नहीं होनी चाहिए। ऐसा तो हमारा अमलेश सिंह जो है 2006 में सदस्यता अपना जेएमएम का सदस्यता लिया और इसीलिए जैसे कि पार्टी का संविधान है कि 3 साल में सदस्यता का रेनुअल होता है, तो उसी प्रकार हम लोग जो है अभी जो विवाद छिड़ा है ये विवाद नहीं होना चाहिए था, मगर खैर जैसा भी हो उसको हम लोग समाधान करने का कोशिश करेंगे सेंट्रल कमेटी से बातचीत करके। और सेंट्रल कमेटी के हम लोग अभी बहुत सारा ऐसा लोग है कि शायद उनको अवगत नहीं है। रिन्यूअल होगा उनकी सदस्यता, रिन्यूअल तो होना चाहिए। मैंने ये तो हम लोग जो भी ये है हम लोग पार्टी में वो हम लोग दूर करने का कोशिश करेंगे। अब रिन्यूअल होना चाहिए, रिन्यूअल तो दे ही दिए, तो सेंट्रल रिन्यूअल दे दिए हैं। जी जी जी, तो सेंट्रल कमेटी क्यों विरोध कर रही है? अब देखिए ऐसा विरोध कुछ किस्म का रिपोर्टिंग हुआ होगा, पेपरबाजी में भी बहुत जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। तो इस तरह से कुछ विरोध तो हुआ है, मगर वो विरोध काहे हुआ है, किस लिए हुआ है, हम लोग भी अपना उन लोगों के सामने हम लोग अपना ये देंगे ताकि विरोध ना हो। और ये जो है हमारा अमलेश सिंह पार्टी में है।